स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुदाज टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। तथागत बुद्धा त्रिपिटक के सुतपिटक के संयुक्त निकाय में एक छोटा सा उदाहरण देते हैं सत्य सूत्र में कि कोई एक इंसान बहुत सारा काम लेके घर से निकल रहा था और निकलते निकलते उसके सर पे आग लग गया। अब क्या करेंगे कि वो इंसान को, अरे आग लगता है तो लगने दो, ये आग भी मेरा है, ये सर भी मेरा है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारा काम लेके निकला हूँ, पहले सारा काम निपटाऊंगा फिर जाके आराम से ये आग बुझाऊंगा, ऐसा कह के वो अपने काम पे निकलेगा क्या? नहीं, सबसे पहले आग लगते ही दुनिया भर के काम एक तरफ, पहले वो आग बुझाएगा। बुझाना भी चाहिए, अगर आग बुझाए बिना यहां वहां चलता रहा तो उसका जल्दी मृत्यु हो जाएगा, मर जाएगा वो। ऐसे ही तथागत बुद्ध कहते जिस तरह सर पे आग लगाओ तो सबसे पहले वो आग बुझाना चाहिए, उसी तरह हमें भी जीवन में ढेर सारा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सबसे पहले वो दुख तकलीफों से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, जीवन का पहला प्राथमिकता यही होना चाहिए कि दुखों से मुक्त होना। नहीं तो कब हम बुढ़ापे की तरफ चले गए, कब हम बीमारी के तरफ चले गए और कब हम मृत्यु के पास चले गए, पता ही नहीं चलेगा। कब ये जीवन खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर इसी तरह बहुत ही कल्याणकारी उपदेश देते गए हैं। तो हमें उपदेश सुनना है, जानना है, पालन करना है, जीवन सुख शांतमय बनाना है। तथागत बुद्ध कहते हैं बहुम पीछे सहितं भासमानो न तक्करो होते नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धर्म की बातें जान के समझ के मगर पालन नहीं करते तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। जिस तरह दूसरों के गाय भैंस चराने वाले कितना मेहनत करके पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में कहां कहां जाके गाय भैंस चराते हैं, मगर जब दूध पीने की बारी आए तो मालक पी जाता है, उसको नहीं मिलता। उसी तरह केवल ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, ये भी आता है, वो भी आता है, ढेर सारे धर्म की बातें जानते हैं मगर पालन नहीं करते तो वो गाय भैंस चराने वाले जैसा ही है। तथागत बुद्ध कहते हैं अपम पिचे सहितं पासमानो धम्मस्स होते अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों ना हो, थोड़ा ही क्यों ना हो, धम्म की बातें जानो, सुनो, जानो, समझो और पालन करो तो उसी में उसका कल्याण होगा, उसी में उसका उपकार होगा। और ऐसे धम्म के पालन करने वाले को ही सही मायने में धम्मी का या धार्मिक कहलाता है या धम्मचारी कहलाता है। और ऐसे लोग ही दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।